मसूरी होटल के सभागार में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभागार में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 50 साल के इतिहास को लेकर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की, जिसमें सभी की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। स्वर्ण जयंती समारोह में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरत सिंह रावत ने बताया कि एमएसए स्थापना 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और 2022 में एसोसिएशन को 50 वर्ष पूर्ण हो गए। उन्होंने कहा कि मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हर साल विभिन्न प्रतियोगिताएं करता आ रहा है और आगे भी एसोसिएशन का प्रयास रहेगा कि मसूरी के खिलाड़ियों को और आगे लेकर जाए। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, 2022 में इसको 50 साल पूरे हुए हैं और आज हम इसकी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन साल भर में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते रहा है, जिसमें हॉकी प्रतियोगिता है, फुटबॉल प्रतियोगिता है, क्रॉस कंट्री रेसेज हैं, हाफ मैराथन है और सभी खेल देसी खेल हमने करवाए हैं, पिट्ठू, पतंगबाजी, बिलियर्ड्स, सभी खेल हम करवाते आ रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि मसूरी के खिलाड़ियों को जो है और आगे लेकर के जाएं। बिल्कुल, आज एमएससी की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इनके 50 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं और बहुत ऐतिहासिक जो पिछले 50 वर्ष है वो रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट, इनके जो आयोजन है उसमें किए गए हैं और इनकी कुछ मांगे मसूरी के खेल को देखते हुए की गई है और मैं निश्चित तौर पर इन मांगों के सहमत हूँ। इनको और जो बजट धनराशि पालिका देती है उसको और बढ़ाया जाएगा और साथ ही एक इंडोर ऑफिस और इंडोर गेम्स के लिए एक जगह दी जाएगी जहाँ पे इंडोर गेम्स ये खेल सकेंगे।